हरदोई जिले के मल्लवा थाना क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले के साथ चल रही आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में ही टकरा गईं। इसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको CHC में भर्ती किया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कस्बे से यहां सपा कार्यालय से हरिपालपुर के लिए जा रहे थे। शुक्रवार की दोपहर को कटरा बिल्हौर हाईवे पर फरहतनगर रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रेकर के पास पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के फ्लीट की गाड़ियां टकरा गईं और ब्रेकर के चलते तेज़ गति के साथ चल रही एक कार्यकर्ता की जो गाड़ी है वो चालक ने अचानक से ब्रेक लगा दी। इसके चलते साथ में चल रही दो फॉर्चुनर सहित सात गाड़ियां आपस में टकराईं। इस हादसे में करीब चार लोग घायल हुए हैं। घायलों को CHC में भर्ती किया गया है। श्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, इनका आज थाना हरपालपुर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना था। एक्सप्रेसवे से थाना मल्लावा होकर के वो अपने गंतव्य को जा रहे थे। फरहत नगर क्रॉसिंग पार करने के बाद पीछे से जो अन्य गाड़ियों के साथ लगी हुई थी फ्लीट के अलावा, किसी एक गाड़ी ने आगे ब्रेक मार दी। पीछे से दो तीन गाड़ियाँ उसमें टकरा गई, जिसमें दो तीन लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। फ्लीट फरहत नगर क्रॉसिंग को पार करके बहुत आगे चली गई थी, उसी को पकड़ने के लिए पीछे से लोग तेज़ी से गाड़ियों को चला रहे थे। फ्लीट में किसी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ना ही कोई गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है।